नीचे मिलते हैं ग्रेस। एक मिनट रुको, ये कोई रेस नहीं है टोबी, हमें गुफाएं ढूंढनी है। उपग्रह से ली गई तस्वीरें यही बताती है कि यहाँ डायनासोर्स की हड्डियां हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, इससे अच्छा तो लॉयर बन जाता। पता नहीं मैं इन चक्करों में क्यों पड़ गया। चलो शुक्र है अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, देश का नहीं। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, पर मेरी रस्सी। अरे नहीं मिशेल, मिशेल तुम ठीक हो? हाँ। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? नहीं, मैं ठीक हूँ। वहीं रुको तुम, मैं आ रहा हूँ। मिशेल, तुम यकीन नहीं करोगे। अच्छा पहले जरा उधर देखो फिर कहना। आराम से। लॉस एंजलिस में स्वागत है जवानों, यह है नौसेना का अन्वेषण का स्थान। सामान रख दो, कुछ खा लो और हम मीटिंग रूम में ठीक 3 बजे मिलेंगे। सील टीम 10 हट, तैयार हो जाओ। लेफ्टिनेंट, तुमने अंगोला में अच्छा काम किया। शुक्रिया सर। हमें यहां किस लिए बुलाया गया सर? इसलिए क्योंकि यह मिशन बड़ा ही अहम है और तुमसे बेहतर खोज और बचाव दल मिलना मुश्किल है। माफ करना सर, पर खोज और बचाव यहां पर 3 बजे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। हे जोन्स, तुम्हारी बहन मुझे याद करती है या नहीं? वो घड़ी खराब है। मेरा नाम है फ्रैंक रीनो, मैं यहां का कार्यक्रम निदेशक हूं और आप सबके पैदा होने के पहले से मैं नौसेना के साथ काम कर रहा हूं। उम्र के डॉक्टर रीनो एक नागरिक हैं, SES-5 यानी उनका दर्जा एक एडमिरल के बराबर है। मतलब अपनी जबान पर लगाम रखो, समझे? शुक्रिया चीफ, आप जारी रखिए। 1942 में मैंने MIT से स्नातक किया था। मैं लड़ाई में जाना चाहता था पर नौसेना को 12 साल के लड़के की जरूरत नहीं थी। खुशकिस्मती से उनके पास मेरे लिए कुछ और था। मैं खुद गाड़ी भी नहीं चला सकता था पर काम कर रहा था कुछ बहुत ही अनुभवी वैज्ञानिकों के साथ और हम करने जा रहे थे एक ऐतिहासिक खोज। उस समय अमरीकी सेना ने एक गुप्त तकनीक पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था दूसरे विश्व युद्ध के लिए और उस खास प्रयोग को हम कहते थे फिलाडेल्फिया का प्रयोग। हाँ ये भी कहते थे,
पर ये सब जानते हैं। वो नाम जो लोग नहीं जानते थे वो था प्रोजेक्ट रेनबो। हम कोशिश कर रहे थे विद्युत चुंबकीय विकिरण की मदद से रोशनी को किसी वस्तु के इर्द गिर्द मोड़ने की, ताकि दुश्मन को हमारे जहाज नजर ना आए। लेकिन गलती से हमने एक और ताकतवर खोज कर ली। जुलाई 1943 में यूएसएस एलरिज को फिलाडेल्फिया नौसेना के जहाज के कारखाने में जब रखा गया था तो वो अचानक गायब हो गया, और फिर उसी वक्त तकरीबन 595 किलोमीटर दूर उसी जहाज को एक व्यापारी जहाज ने वर्जीनिया के पास देखा। उस जहाज के अंदर के ज्यादातर लोग गायब हो गए थे, और उनमें से 5 जहाज की दीवारों और दरवाजों के अंदर समा गए थे, जिस वजह से कई लोगों को यह लगने लगा कि सरकार ने टेलीपोर्टेशन का आविष्कार कर लिया है। यह सच नहीं है। एल्ड्रिज अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला था, वो वहीं था। जहाज का स्थान नहीं बदला था, बल्कि पृथ्वी का स्थान बदल गया था। उस रेनबो यंत्र ने जहाज को समय में 8 घंटे पीछे भेज दिया था। क्या आप वाकई समय यात्रा की बात कर रहे हैं? जी हाँ, विश्व युद्ध के बाद उस कार्यक्रम को यहाँ जारी रखा गया जहाँ और प्रयोग किए गए। 1949 में इस कार्यक्रम का मुखिया मैं था, और मैं इसे एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता था। इसीलिए उस साल 29 नवंबर के दिन मैंने वैज्ञानिकों और नौसैनिकों का एक दल बनाया और मेरे भाई एरिक को उसमें भेजा, एक द्वार के जरिए। पर मेरी बनाई हुई तकनीक उन्हें वापस लाने के समय नाकाम हुई, जिस वजह से उस दल के 19 लड़के और 2 लड़कियां वहीं फंस गए 7 करोड़ साल पीछे। 7 करोड़ साल? सच में आपको नहीं लगा 2-4 हफ्ते काफी होते? हम सावधानी बरतना चाहते थे। हमारे बीच बहुत ज्यादा बहस हुई सामयिक विरोधाभास को लेकर। मतलब अगर अतीत में जाकर अपने दादाजी को मार दिए तो क्या होगा वगैरह। हाँ सही कहा। इसीलिए मैंने ऐसा समय चुना जब इंसान थे ही नहीं, ताकि उसका वर्तमान पर कम से कम असर हो। पिछले 59 साल से मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, और इस तकनीक को बेहतर बनाने की भी, ताकि उन लोगों को बचाकर सुरक्षित वापस लाया जा सके। माफ कीजिए सर, पर यह भी तो हो सकता है कि वो वहां तक पहुंचे ना हो। हमें पता नहीं था, लेकिन 2 हफ्ते पहले कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स को अर्जेंटीना के पहाड़ों पर कुछ गुफा चित्र मिले। विद्युत कार्बन विश्लेषण से हमें पता चला है कि ये चित्र 6.5 से 7 करोड़ साल पहले के हैं। हाँ, पर इससे ये साबित नहीं होता कि आपकी टीम ने बनाई है। लाइट जलाइए। रेनबो रूम में आपका स्वागत है। यहां जो भी चीजें हैं वो रेनबो यंत्र को नियंत्रित करती हैं, जो ठीक इसके नीचे है। ये क्या है? दरअसल ये 1.5 किलोमीटर लंबी बेरिलियम ट्यूब है। हमने फिलाडेल्फिया में इस बात की खोज की कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की मदद से हम उस ट्यूब के अंदर एक टेक्टोनिक फील्ड बना सकते हैं जो प्रकाश की गति से घूमती है। उसके बाद सिर्फ जरूरत थी गुरुत्व बल की। किस चीज के लिए? वर्म होल खोलने के लिए। जनरल रिलेटिविटी थियोरी की वजह से समय यात्रा का रास्ता बनाना मुमकिन है, जिसके जरिए कोई भी चीज उस हाईवे पर किसी भी वक्त जा सकती है। जब रेनबो यंत्र अपनी पूरी गति पर पहुंच जाता है तो उस हाईवे पर 2 जगहों के बीच एक रास्ता खुल जाता है। किसी भी चीज को उस बिंदु में डालने से गुरुत्वाकर्षण की वजह से स्पेस टाइम कॉन्टिनम में एक रास्ता बन जाता है। देखो, मैं तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स, CRLs और मेनकाउस की स्पेस थियरी समझा सकता हूं, पर तुम सब थक जाओगे फिर भी उसे नहीं समझ पाओगे।
100 बात की एक बात, ये प्रक्रिया काफी आसान है, पर मुश्किल आती है सिर्फ स्पेस और टाइम के बीच के संबंध को समझने में। कहां जाना है ये आसान है, पर किस वक्त जाना है ये मुश्किल है। पर फिर हमें वो गुफा चित्र मिले। हम 60 साल पीछे जाकर उन्हें रोक क्यों नहीं लेते? पहली बात तो ये कि पैराडॉक्सिस की फिक्र है, और दूसरी बात उस टीम को जिस क्षण में भेजा था उस क्षण में जाना मुश्किल है। पर मुझे यकीन है कि हम उनके गायब होने के वक्त के कुछ महीने या कुछ साल ही दूर होंगे। हम? मैं भी साथ चलूंगा। मैं एक ही गलती दोबारा नहीं करता। मैं अपनी जगह दूसरों को नहीं भेजूंगा। वैसे भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी दूसरी तरफ से दरवाजा खोलने के लिए। यह बहुत ही अलग मिशन है जवानों। आपने इससे ज्यादा खतरनाक मिशन कभी नहीं किया होगा, और मैं किसी को इसमें हिस्सा लेने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं जाना है तो कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हम तैयार हैं, चलो चलते हैं। अपने परिवार को खत लिख दो, सारी तैयारी कर लो। शाबाश, थोड़ा आराम कर लो, रात के 3 बजे शुरू करेंगे। सब लोग तैयार हैं? जी हाँ, सब तैयार हैं। परीक्षण के बाद एल्ड्रिज नौ सैनिकों को सिरदर्द और उल्टी हुई थी, इसलिए हम आप सबको दे रहे हैं स्कोपोलामीन, उल्टी और दर्द को रोकने के लिए। 7 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले लगभग आधी थी, इसलिए हम सब एल्टीट्यूड सिकनेस की दवा डायमा भी लेंगे, इससे मदद मिलेगी। सब अपनी दवाई पी लो। रेनबो यंत्र को शुरू किया जाए। 1 सेकंड सर। तैयार है। कमर कस लो जवानों।
ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। सील टीम सब आ गए। मेनरिकेस, बर्ट, जोस। तुम लोग ठीक हो? टब्स और फिनिक्स आ गए। Stubbs! हाँ, तुम ठीक हो? क्या? ठीक है, चलो तैयारी करते हैं। हमें ऊंचाई पर जाना होगा। हम इसे इस तरह यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। बर्ट, भी नहीं। तुम आगे चलो, जल्दी करो। ये तो वैसे का वैसा है। ये क्या करता है? ये वर्म होल के दूसरे छोर को खुला रखता है। जब तक ये सलामत है हम वापस जा सकते हैं। अर्जेंटीना है क्या? बन जाएगा। अभी तो ये गंडवाना नाम के महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है। यही है वो। क्या? वो पहाड़ जहां वो गुफा चित्र मिले थे। नहीं, ये बहुत छोटा है। 7 करोड़ साल हो चुके हैं, जरा ठीक से देखो। चलो, कोई खतरा नहीं, ये शाकाहारी है। आओ चलते हैं, चलो। तो चलो, तुम लोगों ने सुना ना, आगे बढ़ो।
हे फ्रीजी की तुम्हें पसंद करती है। सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फ्रीजी की तुम ठीक हो? जाओ, जाओ उसे पानी से बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे पानी से, जल्दी जाओ, पानी से बाहर आओ, पानी से बाहर निकलो, बाहर निकलो पानी से, जल्दी निकलो, जल्दी चलो, 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 तू मर जाएगा, जल्दी बाहर निकलो सब के सब यहाँ से। ठीक है जवानों, इसे चेतावनी समझो, चलो अब चलते हैं। मैं और जवान नहीं खोना चाहता, चलो 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 यहां से निकलते हैं। क्या बात है बर्क? मुझे किसी का शिकार नहीं बनना है। अरे यार बर्क, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, चलो आगे बढ़ो। तुम्हें क्या हुआ है मेरे दोस्त? पता नहीं सर, मैंने अभी अभी वहां पर कुछ देखा। यू आर राइट, डोंट शूट मी बर्क। यहां पर कुछ भी नहीं है बर्क, बेकार में डर रहे थे, हमें कुछ नहीं होने वाला। लेफ्टिनेंट, 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 चलो सब, चलो चलो चलो, पीछे रहो, जल्दी करो सब। बंदूक चलाना बंद करो जोन्स, तुम गोलियां बर्बाद कर रहे हो। बताएगा कि ये सब इतने तेज कैसे हैं? लगता है वो और भी है। और वो हमें चुन चुन कर मार रहे हैं रीनो। नहीं, मुझे नहीं मरना। मेनरिकस वापस आओ, मेनरिकस वापस आ जाओ, चलो रुको, जल्दी चलो।
इसे घेर लो। यहाँ पर संभल के। तैयार रहो। तैयार अभी। बस तैयार रहो। लूप्स, लूप्स। गोली से इसकी खोपड़ी उड़ा दोगे क्या जरा? शिकार करते हैं। बट देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। चीफ स्टार्क, तुम मुझे आज भी बर्ड कह सकते हो रीनो। यहाँ क्या हुआ? बेटी, बेटी, क्या हुआ? चलो हमें बाकी लोगों को भी ढूंढना है। सिर्फ हम लोग बचे हैं। 21 में से तीन लोग द्वार से बाहर ही नहीं निकल पाए। और बाकी के लोग ये जगह बहुत खतरनाक है। तुम वापस आए। कितने साल बीत गए, हमें इसे ले जाना होगा। हम सबको मिलकर जल्द से जल्द ले जाना होगा। बिग रेड इसे सूंघ कर ढूंढ लेगा। ठीक है, चलो सबके सब प्रवेश बिंदु की ओर। अच्छा बताओ कि ये बिग रेड कौन है? सुनिए, हम ये पानी पी सकते हैं? पता नहीं, पर पिछले 6 सालों से तो हम यही पी रहे हैं। तुम यहाँ 6 साल से हो? करीब करीब इतना ही। मैं कैलेंडर लाना भूल गया था। दीजिए पानी पीजिए, अच्छा महसूस होगा। ड्रोमास अपने ही मल में अपने पंजे साफ करते हैं। अगर ये इस घाव से नहीं मरा तो इन्फेक्शन से जरूर मरेगा। मुझे अफसोस है। मेरी फिक्र मत करो। वो आ गया, भागो। चलो, 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 आगे बढ़ो। चलिए सर, अभी जाना होगा। चलिए, चलो, चलिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। मुझे मुझे छोड़ दो। ठीक है, सब मारे जाएंगे अगर मुझे यहाँ नहीं छोड़ा तो। चीफ, मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ, चलिए, जाओ। और मेरी बंदूक तो दे जाओ,
वो नहीं आना चाहते थे, उनकी मर्जी थी, हमने बहुत कोशिश की। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हम लोग 21वीं सदी में रहते हैं लेकिन अब तक लड़कियां लड़ने नहीं जाती, फिर आप दोनों को 1949 में इस मिशन पर जाने का मौका कैसे मिला? बेटी एक नर्स है और मुझे शायद इसलिए चुना ताकि यहां कोई उनके लिए कॉफी बना सके। पर अब तो तुम वो भी भूल गई होगी, कॉफी तो सालों पहले खत्म हो गई थी। बकवास मत करो। मुझे हमेशा लगता था तुम दोनों की जोड़ी अच्छी होगी। अच्छा, और मुझे लगता था एरिक मुझ पर फिदा है। ओह, मुझे तो लगा था कि तुम्हें फ्रैंक हमेशा से पसंद है। हाँ, पर फ्रैंक किसे नहीं पसंद था। फ्रैंक सबको अच्छा लगता था, है ना रू? बेटी, अब कितना झूठ बोलोगी? फ्रैंक, तुमने कभी शादी की? नहीं। हनीमून पर तो गए होगे? कुछ भी मत कहो। बट कहाँ है? तो वहाँ है नीचे। मैं अभी आया। हे, सोवियत्स के साथ लड़ाई अभी चल रही है क्या? ये सोवियत कौन है? क्या चल रहा है पिकासो? ए इरिनो, पता है इसी की वजह से हम तुम्हें ढूंढ पाए हैं। अच्छा, सच में? अरे ये क्या बनाया है? ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए। हे, मेरी वेब कैसी है? ओह बार्ड, वो करीब 3 साल पहले ही गुजर गई कैंसर की वजह से। मुझे अफसोस है। मुझे लगा था तुम भी काफी बुढ़े हो गए हो रिनो। उसने कभी दूसरी शादी नहीं की, तुम्हारा इंतजार करती रही। और मेरा बेटा डेविड, वो ठीक है। सच बताओ फ्रैंक, पता नहीं यार, वो नाराज रहता है, मुक्केबाजी से बात करता है और पिछले दिनों किसी को लगभग मार ही दिया था। मुझे बुरा लग रहा है, बेचारा बच्चा।
अब तो वो मुझसे भी बड़ा हो गया होगा, उम्र में भी और ताकत में भी। मेरी वेब कितनी सुंदर है नारिनो। वक्त, हाँ वक्त सब बर्बाद कर देता है ना? बहुत सुंदर है, मुझे इसकी बहुत याद आएगी। तुम कुछ नहीं कर सकते थे फ्रैंक, जब हम यहां पहुंचे तो हमारा ट्रैकर खराब हो चुका था, तुम हमें कैसे ढूंढते? मुझे पता होना चाहिए था, मुझे कुछ करना चाहिए था। फ्रैंक जरा इसे देखो, ये एक अद्भुत अनुभव है। मैं एक ऐसी चीज देख रहा हूं जो किसी इंसान ने नहीं देखी है और ना ही कभी देखेगा। मैं एक ऐसी दुनिया में जाने वाला हूं जो मेरे लिए उतनी ही नहीं होगी जितनी ये थी। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे साथ ऐसा हो। जिंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। हमें चलना चाहिए, ज्यादा सामान मत लो, बस जरूरत की चीजें लेना। सुनो, हाँ ये पकड़ो। हाँ वो भी ले लो। हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलेंगे, अपने हथियार तैयार रखना। रूथ तुम पानी की बोतलें ले लो। ले ली। और हाँ याद रखना कि हम एक साथ चलें, ये बहुत जरूरी है। याद रहे वो कमजोर शिकार पर हमला नहीं करते, वो जो सबसे आगे होता है उस पे हमला करते हैं ताकि बाकी के बिखर जाएं। तो हमें एक साथ रहना है। हाँ एक साथ रहते हैं, कम से कम आज कोशिश करते हैं कि कोई ना मरे। मतलब उन्हें नाश्ता करवाने थोड़ी आए हैं, अच्छा लगेगा अगर आज वो मेरे दोस्तों को ना खाए, दिन सफल होगा। फ्रैंक चलो चलो जल्दी चलो। कर लेते हैं। हाँ, आराम से सांस ले लेता हूं। तुम्हें थोड़ा पानी पीना चाहिए रिनो। ये लो। आजकल नेवी में किसे भर्ती कर रहे हैं, ऐसे पिद्दी लड़के। अब यहां से आगे किस तरफ जाना है? अभी बताता हूं। बता? करीब 2.5 किलोमीटर पूरब की ओर। अंधेरा होने वाला है, हमें जल्दी चलना होगा। फ्रैंक चलो चलते हैं। चलो दोस्त हमें चलना चाहिए। मेरा हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ लो? इतना जल्दी बूढ़ा हो गया क्या?
चुप जाओ। वो वापस आ रहा है। अभी काम कर रहा है। ठीक है, चलो सब लोग पीछे हट जाओ। पता नहीं द्वार कितना बड़ा होगा। तुम कैसे मेरे इफेक्ट कैसे शुरू करोगे? नेगेटिव मास वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। नहीं नहीं नहीं, तुमने एक विचित्र पदार्थ बनाया। चलो जल्दी करो सब। नहीं नहीं नहीं, रुको एक मिनट। तुम रेनबो यंत्र के बिना इसे बंद कैसे करोगे? चलो सब लोग द्वार के अंदर, जल्दी एक एक करके। मेनरीकेस, चलो चलें। नहीं फ्रैंक, नहीं नहीं फ्रैंक, नहीं फ्रैंक, जब तक कनेक्शन बंद नहीं होता ये कमजोर ऊर्जा इस वर्म होल को बड़ा करती रहेगी और अपने अंदर सब कुछ संभालेगी। ये क्या कह रहा है? यही कि हम में से किसी एक को यहाँ रोककर ये द्वार बंद करना होगा। क्या? मैं करता हूँ। नहीं, तुम इन यंत्रों को चलाना नहीं जानते। मैं यहाँ आया तब मैं ये जानता था। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारी जिंदगी के 60 साल छीन लिए हैं और अब मैं वो वापस दे रहा हूँ। चलो जल्दी, अपना ध्यान रखना। अपने बेटे का ख्याल रखना। नहीं फ्रैंक, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा, भले मेरी पूरी जिंदगी क्यों ना लग जाए। वादा करता हूं। समय यात्रा कमीनी चीज है ना। हम आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम अपनी दुनिया में आ गए। हम आ गए इंसानों की दुनिया। तो एक काम नहीं किया? हाँ काम तो किया, अभी तो गए थे और अभी वापस आ गए। तो लेफ्टिनेंट पीट कहाँ है? डॉक्टर रीनो कहाँ है? बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग इस सफर से लौट नहीं पाए। लगता है कोई और भी आ रहा है।
चीज क्या है और यहाँ कैसे आ गई? जीनस थेरापोडा काटाडोंटोसॉर की प्रजाति है। चलो आ जाओ। तुम कौन हो? विज्ञान ऑफिसर लेफ्टिनेंट एरिक रेनो सर। ये है चीफ पेटी ऑफिसर स्टार्क, ह्यूमन कैलेंडर। ठीक है ठीक है ठीक है, उस चीज को इस इमारत के अंदर ही रखना। मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। उसे कैसे रोका जाए? चल चल जा। कोरोनाडो, मैं कमांडर जॉन हूँ। मेरा कोड है 47423। हम यहाँ मुसीबत में फंसे हैं। क्या है ये चीज? ये अच्छा नहीं हुआ। चलो तुम गाड़ी चलाओ। हाँ। कोरोनाडो, कमांड सेंटर से संपर्क करो। मुझे एक सीहॉक हेलीकॉप्टर चाहिए उत्तरी टावर पर। चलो अब बताओ मुझे ये जानवर क्या कर सकता है? वो बौखलाया हुआ है, छिपने की जगह ढूंढ रहा है। सामने देखो। गाड़ी पीछे लो, जल्दी जल्दी। चलो चलो और तेज। चलो चलते रहो। जानवर तो बहुत तेज है। हाँ, सही कह रहे हैं। कहाँ गया वो? पता नहीं। हमें किसी तरह उस हेलीपैड तक पहुंचना है।
कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा है। तुमने जैसा बताया था थर्मल कैमरे में वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। वो जानवर आखिर है कहां? सर, क्या उन्होंने थर्मल इमेजिंग कहा? वो जीव हीट सेंसर पर दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं? उनका खून ठंडा होता है इसलिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। एयर वन, उसे ढूंढना होगा। फिर क्या? फिर उसे खत्म कर देंगे। क्या बात है, वो इतनी तेज कैसे भाग पा रहे हैं? वो पिछले 6 साल से 11% ऑक्सीजन पर जी रहे थे। वाल्टर मैराथनर्स की तरह ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, निकलो यहां से, भागो सब। भागना ही एक तरकीब है। सुनो, तुम तो यही रहते थे है ना, तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। थर्ड स्ट्रीट टनल, हम उसे उस सुरंग के अंदर भेज कर फंसा सकते हैं। अगर वो अब भी वही हुई तो हम उसे उसके अंदर ले जाकर फंसा सकते हैं। सही है, बहुत ही बढ़िया। तो अब उसे उस सुरंग तक पहुंचाए कैसे? तरीका वही है, बस भागो। मुझे लगा ही था। ठीक है। ओह, सर, पुलिस ने शहर में आने वाली गाड़ियों को रोक दिया है। हमारे साथी कहीं दिखे? इंतजार करो। ठीक है सर।
डिपार्टमेंट सुरंग को दोनों तरफ से बंद कर सकती है और उनके पास काफी गोला बारूद मौजूद है सर। चलो उसके चीथड़े चीथड़े कर देते हैं। यकीन नहीं हो रहा एरिक, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम यहां वापस कैसे आए? तुम्हारे गायब होने के तकरीबन एक साल बाद मैं 60 साल बड़ा बनकर तुम्हें वापस लाने निकला था, तुम सबको वापस लाने। मैं उस समय द्वार से जाकर समय रेखा ठीक करना चाहता था, वो उसमें से तब गया जब वो बंद हो रहा था। तुम वैसे के वैसे ही हो। जहां तक मैं जानता हूं उसकी ट्रिप आधी रह गई, वो 1950 में पहुंच गया गंभीर रूप से घायल। क्या? मरने से पहले मुझे सब बताया, ये भी कि रेनबो यंत्र कैसे इस्तेमाल करना है। उसने जो किया वो मैं कभी ना कर पाता। पर तुमने किया। तुम्हारी बहुत याद आई दोस्त। मुझे भी। तुम जान गए? हमेशा जानता था। ठीक है, ये मेल मिलाप सब सही है, पर इस डायनासोर का क्या करें? बताता हूं, इसीलिए तो यहां आया हूं। तो हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करेंगे। इससे पहले कि वो आ जाए, चलो जल्दी।
नहीं नहीं नहीं, इस बार नहीं। मत रोको मुझे। बस तैयार रहना, मैं अभी आया। दुश्मनों का जहाज तो नहीं था? लगता है तुम हमारे साथ फंस गए रीनो। नहीं, ऐसा नहीं है।
मैं एक ही गलती दोबारा नहीं करता। पचास आएगा कोई? घर चल रहे हैं, मेरी विवियन के पास। मैं फिर उससे मिलूंगा। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहूंगी। किसी को तो यहाँ रुक कर ये द्वार बंद करना होगा, है ना? ओह, नहीं 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 नहीं, अब मेरी बारी है। तुम पागल हो गए हो। तुम अकेले नहीं रुकने वाले। Good luck, Lieutenant. अपने बेटे का ख्याल रखना, ठीक है? जरूर रखूंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अच्छा अच्छा, अब जरा ये देखो। याद आएगी तुम्हारी। ओह, मुझे तुम्हारी भी बहुत याद आएगी। मुझे भी। संभल कर जाना, अपना ख्याल रखना। पैंसठ साल बाद मिलता हूं। जरूर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। ए, 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 एक बात और पूछनी थी, तुमने उसे भेजा कहाँ? वहीं जहां उसे होना चाहिए था।